नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र है। मैं फाइनेंशियल प्लस एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, स्पेशली जो लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनको सही जानकारी नहीं मिल पाती है कि म्यूचुअल फंड में कितना क्या होता है और शेयर मार्केट में कितना क्या नुकसान होता है। वो सब जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पेशली तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। जो लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी हो जाएगी, सही जानकारी मिल जाएगी भाई कि मुझे कौन से प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। आज की वीडियो है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखना, 100% आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कहना चाहूंगा, देखो भाई, म्यूचुअल फंड है जो एक्चुअल में जो भी जो लोग होते हैं म्यूचुअल फंड में, जो एक बहुत ही बड़ी कंपनी होती है, ये कहूँ कि जो बहुत से जो वहाँ पे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं। इसके साथ में जो वहाँ पे जो आपका पैसा लगता है म्यूचुअल फंड में, जो आप पैसा लगाते हो, जो 100 रुपये हो, 200 हो या 500 हो, या जो आपने SIP स्टार्ट की उसके माध्यम से जो भी प्लान में आपने पैसा लगाया, वो प्लान के जो वहाँ पे जो एडवाइजर होते हैं, वहाँ पे बहने वाले जो लोग होते हैं, वो आपका पैसा अच्छी जगह लगाते हैं। उन जो भाई लोग बैठते हैं वहाँ पे, जो लोग बैठते हैं ना जिसके नीचे, यानी ये जो म्यूचुअल फंड में जो एक कंपनी होती है, वहाँ के जो एम्प्लॉयर होते हैं वो ऐसे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, जिनको इस फील्ड में बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया होगा और इतने टाइम में एक्सपीरियंस होता है जिन लोगों को, वो लोग इसमें पैसा लगाते हैं। पैसा लगा हुआ जो पैसा होता है उनके, जो 2 लाख हो, 3 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, जो भी आपका पैसा होता है, सभी मेंबर का वो पैसा अच्छी जगह निवेश करते हैं और अच्छा खासा रिटर्न लेते हैं। मैं आपको ये कहूँ कि यार स्टॉक मार्केट या जो शेयर मार्केट, ये बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जिनमें आपको हाई रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें सही जानकारी, सही प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि यदि कोई नॉर्मल है जो बंदा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा तो 100% वो डूब के ही आने वाला है। क्योंकि शेयर मार्केट एक बहुत ही बड़ा एक प्लेटफॉर्म है जिनमें कभी भी ऊपर हो सकता है, कभी भी नीचे हो सकता है, कभी भी उतार चढ़ाव हो सकता है। ये शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा फंडा है। आपको जानकारी मिलने में कई टाइम लग जाता है, पूरी जानकारी आपको कभी भी नहीं मिल पाएगी। मैं आपको ये कहूँ कि म्यूचुअल फंड में इसमें बहुत से एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं जो 30-30 या 35-35 या 40-40 साल हो गए जिनको जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। म्यूचुअल फंड का अर्थ यही होता है कि भाई जो लोग जो इसमें निवेश करेंगे, जो आप लोग आम लोग जो जॉब करने वाले लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता है कि भाई मुझे शेयर मार्केट में निवेश करना है, पैसे जो कहाँ पर निवेश करना है इसकी जानकारी भी नहीं है, तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हो। म्यूचुअल फंड में एक्चुअल में ये होता है कि जो लोग बैठते हैं वहाँ पे वो पैसा आपके शेयर मार्केट में लगाएंगे, लेकिन उनको सही जानकारी, सही प्रॉपर नॉलेज होता है। आप ये कह सकते हो कि उनको एक एक्सपीरियंस है बस। आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने जो भी आपने पैसा लगाया है, चाहे आपने 1 लाख लगाया हो, 2 लाख लगाया हो, जो आपका पैसा है वो आपका डूब सकता है शेयर मार्केट में 100%। वो आपका, यदि आपको सही जानकारी नहीं है उस प्लान के बारे में, उस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपका 100% डूबने के चांसेस रहेंगे। तो स्पेशली मैं आपको कहना चाहूँगा, देखो जो भी लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो बेस्ट ऑप्शन है। यदि आपको शेयर मार्केट का कोई भी नॉलेज नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आप निवेश करना। म्यूचुअल फंड में कोई भी आपका पैसा इतना लॉस नहीं हो पाएगा जितना आपको शेयर मार्केट में होगा। शेयर मार्केट का कभी भी ऊपर हो सकता है, कभी भी नीचे हो सकता है। मैं खुद ये जो एग्जांपल बताऊं तो बहुत से हमारे यहाँ पे लोग हैं जो ऐसे लोग हैं जो कि जिन्होंने पैसा लिया, यानी कि बहुत से लोगों से पैसा लिया, पैसे लेने के बाद उसने शेयर मार्केट में लगाया और आज की डेट में वो आदमी चला गया इस दुनिया में, जो उसने सुसाइड कर दिया है। ऐसे जो टाइम में यार, ऐसे जो सिचुएशन बन जाती है कि जिनका पैसा डूब जाता है, जिन्होंने 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपये शेयर मार्केट में लगाए और पैसा वो डूब गया, मार्केट टूट गया, और तो उसका जो 1 लाख रुपए भी नहीं बना, 1 लाख रुपए नहीं बचा यार, 15 लाख रुपए लगाने के बाद 1 लाख रुपए नहीं बचा, तो ऐसे जो हो सकता है। क्यों मैं इसीलिए मैं कहना चाहूँगा, देखो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिनमें आप निवेश करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से बेस्ट है। आपको इसमें इतना सिर दर्द नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा भाई कि मेरा पैसा डूब जाएगा या क्या करना है या कौन से प्लान में निवेश करूँ जिससे अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये आपको इतनी कोई जानकारी नहीं लेनी है। बस सिर्फ आपको जो भी आप प्लान ले रहे हो उसे आप देख लेना, बायोडाटा चेक कर देना कि कितना क्या रिटर्न दे रहा है और पिछले जो 5 साल 10 साल में कितना क्या रिटर्न दिया है, इसके आधार पर आप चेक कर सकते हो। इसके साथ में उसका देख लेना, जो भी आप इस जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें ये चीज़ जरूर देख लेना, क्या ये मिड कैप है या नहीं है। क्योंकि मिड कैप में अच्छा खासा रिटर्न मिलता है, मैंने बहुत से जो वीडियो बना रखे हैं मिड कैप के ऊपर, तो मिड कैप में अच्छा खासा रिटर्न मिला है अभी तक, क्योंकि 22% 24% 25% तक हमें रिटर्न देखने को मिला है। तो स्पेशली जो लोग जो अभी तक निवेश नहीं किए हैं म्यूचुअल फंड में, तो स्पेशली निवेश कर देना, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे पाऊंगा, तो आराम से आप म्यूचुअल फंड में अपना अकाउंट बना के आराम से निवेश कर पाओगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूँगा।